अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 लोग जजेस में उन्होंने दिया है, उसमें कहा कि सेम सेक्स मैरिज करना अभी नहीं है। कुछ तो फेवर में किया है, कुछ अनफेवर में। ऐसे भी देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप सबको अधिकार है साथी चुनने का, और सेम सेक्स साथ में पार्टनर के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी उन्होंने भी वही कहा है कि रूल अभी तक भारत में बना नहीं, तो इसे इसको कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, इसलिए वो संसद के ऊपर छोड़ा है। सरकार इसको नया रूल के माध्यम से बनाएंगे, संसद में बनाएंगे, तो इसको अप्रूव करें तो इसको कार्रवाई करेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली जो सेम सेक्स रिलेशन में जो थे जो कपल, बहुत उम्मीद रखे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला हो जाएगा तो शादी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको बहुत दिक्कत होगा। मेरे बारे में देखेंगे तो मैं तो पहले से 19 से ही बोल दिया था कि मैं सेम सेक्स रिलेशन में हूँ, मैं भी फ्यूचर में मैरिज करूँगी। अभी काफ़ी जो लोग बोल रहे कि सेम सेक्स रिलेशन में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टनर की तरह रह सकते हो, लेकिन पार्टनर की तरह रहने में फ्रेंड की तरह रहना है तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सोसाइटी में जीने के लिए सारी चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे भी आप ऑफिस में जाएंगे तो बिना आई कार्ड में आपको घुसने के लिए नहीं मिलता है, कहीं पर भी जाओ, चाहे फॉरेन कंट्री जाओ, कहीं पर भी वीजा अप्लाई करो, हर सेक्टर में आईडी प्रूफ की जरूरत होता है। तो इसलिए सेम सेक्स आईडी जो मैरिज आईन अधिकार इसलिए मांगते थे, क्योंकि आप पार्टनर को मैरिज करके आप हस्बैंड वाइफ की तरह जी सकते हो, बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो, कहीं पे फॉरेन कंट्री जा सकते हो, कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसको मिल कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी खरीद कर सकते हो, बहुत सारा बेनिफिट है मतलब सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो इसलिए अपील किया गया था, लेकिन अभी तो फाइनल नहीं हुआ, संसद के ऊपर छोड़ा है। फिर भी उम्मीद रखा है कि ये रूल रेगुलेशन हो जाएगा तो काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा। ऐसे देखेंगे तो अभी 64 कंट्री में जो डेवलपमेंट कंट्री वो कंट्री में अधिकार है जीने का और शादी करने का, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं है। और जो बोले सेम सेक्स मैरिज परंपरा संस्कृति विरुद्ध है, आप देखेंगे तो कोणार्क टेम्पल कभी जाए के देखेंगे तो वहाँ पर सब पूरा मेंशन हुआ है कि लाइफ में कैसे जीते हैं लोग, कौन किसी को कैसे चूज करते हैं। तो ऐसे देखते हो ये तो बोलते कि ये समाज में अच्छा नहीं, खराब इम्पैक्ट पकाएगा, लेकिन ऐसे देखें तो कुछ नहीं, कहीं हम जिस जिस को प्यार करते हैं इसको ही शादी करने के लिए बोलते, किसको तो जबरदस्त नहीं करते। और डिवोर्स के बाद में उठा गया उस सवाल, उसमें तो डिवोर्स हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे देखते हस्बैंड वाइफ थी मैरिज के बाद 1 साल इनके अंदर में झगड़ा होता तो फिर वो भी डिवोर्स हो जाता है, तो वो तो दूसरी बात है। लेकिन गणतंत्र राष्ट्र में सबको जीने का अधिकार है, सबका सेम रूल बनेगा तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। मैं तो उम्मीद रखा है, अमित छोड़ाना है अभी तक, मेरा पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, जो भी फैसला लेंगे डिसीजन लेके जनसाधारण भलाई के लिए लेंगे। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।